नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की और आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खोली जाएगी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से 8 जनवरी तक कोई एक्शन न लेने को कहा। शांति बनाए रखने की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया। वही मस्जिद में नमाज के दौरान पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को हिंसा भड़काने के आरोप में नामजद किया। ईडी ने शुक्रवार को राज कुंद्रा और शिल्पा सेठी के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। ईडी मुंबई और उत्तर प्रदेश में करीब 15 स्थानों पर तलाशी ले रही है जहां पोर्नोग्राफी के सर्कुलेशन से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं। राज कुंद्रा पर आरोप है कि वे हॉटशॉट ऐप के जरिए पॉर्न कंटेंट का प्रोडक्शन और प्रसारण करते थे। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई, लेकिन 4 दिनों में कार्यवाही मात्र 40 मिनट चली। विपक्ष ने अडानी और संभल मुद्दे उठाए, जिसके चलते हंगामा हुआ और कार्यवाही स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही जो है अब 2 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडानी पर अमेरिका में 2,000 करोड़ की रिश्वत का मामला है और मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO आज से ओपन हो गया, जो 3 दिसंबर तक बिडिंग के लिए उपलब्ध रहेगा। कंपनी 846.25 करोड़ जुटाने के लिए शेयरों का ऑफर फॉर सेल लाएगी। सुरक्षा डायग्नोस्टिक के शेयर 6 दिसंबर को BSE और NSE पर लिस्ट होंगे। पुष्पा 2 अगले महीने 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अल्लू अर्जुन ने बताया कि फिल्म को CBFC से UA सर्टिफिकेट मिल गया है। हालांकि फिल्म के 3 डायलॉग और कुछ सीन्स में बदलाव और 3 अपशब्द म्यूट करने के बाद ही फिल्म रिलीज होगी। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में अप्रेंटिसशिप के 1,785 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार RRCSER की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के तहत 10वीं 12वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष के बीच है। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं, जो राज्य में किसी प्रधानमंत्री का पहला 3 दिन का प्रवास है। वे भुवनेश्वर में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने वाली DGP IG कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें कुल 153 उम्मीदवार सफल रहे। टॉप 6 में सभी महिलाएं हैं, जिनमें हर्षिता सिंह, सुकृति अग्रवाल और सुप्रिया गुप्ता शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने बुधवार को K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की, जो न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात से की गई। अरिघात जो INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है, 3,500 किलोमीटर रेंज वाली K4 मिसाइलों से लैस है। इसे विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था और जल्द ही इसका अपग्रेड वर्जन कमीशन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला बिल पारित किया, जिससे देश दुनिया में पहला बन गया। बिल के तहत अगर प्लेटफॉर्म बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने में नाकाम रहते हैं तो उन पर 275 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंध लागू करने के लिए 1 साल का वक्त मिलेगा। BMW इंडिया ने 28 नवंबर को अपडेटेड M2 कूपे SUV को 1.03 करोड़ रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है। नई M2 में 3.0 लीटर का 6 सिलेंडर टर्बिन टर्बो इंजन है, जो 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महज 4 सेकंड में पकड़ सकता है। कार के 2 नए कलर और ऑप्शन और डिजाइन में मामूली बदलाव के साथ पेश किया गया है। मार्केट रेगुलेट सेबी ने तकनीकी दिक्कत आने पर ट्रेडिंग जारी रखने को लेकर नए नियम जारी किए हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर दोनों एक्सचेंज NSE और BSE को एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के रूप में काम करने का आदेश दिया है। सेबी का कहना है कि तकनीकी दिक्कत आने पर ट्रेडिंग को शिफ्ट किया जाएगा। ऑडी इंडिया ने 28 नवंबर को अपने लग्जरी SUV Q7 का दूसरा फेसलिफ्ट मॉडल भारत में लॉन्च किया। नए मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ, 4 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और
एडास जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। हालांकि इसमें वही 3 लीटर V6 टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो मौजूदा मॉडल में है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो एक बार फिर विवादों में आ गया है जब एक्ट्रेस रोजलिन खान ने नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल शर्मा और नेटफ्लिक्स को कानूनी नोटिस भेजा है। उनका आरोप है कि शो में कैंसर से संबंधित गलत जानकारी दी गई जो ऑडियंस को गुमराह कर सकती है। उन्होंने सिद्धू और शो की टीम से सार्वजनिक माफी की मांग की है। भारतीय सर्राफा बाजार में आज 29 नवंबर 2024 को सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। सोना अब 76,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है तो वही चांदी का भाव 99,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 की शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत जो है 76,738 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 89,250 रुपये है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से संबंधित हिंदू पक्ष के 18 मामलों पर मस्जिद समिति की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई करने का निर्णय लिया। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी और कानूनी स्थिति पर विचार किया जाएगा। इधर दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति शुक्रवार को और बिगड़ गई और AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सुबह 7 बजे की बात करें तो राजधानी का औसत AQI जो है 332 दर्ज किया गया, जबकि कुछ क्षेत्रों में ये 400 के गंभीर स्तर को पार कर गया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है जो जल्द ही हरियाणा के जिंद और सोनीपत रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रायल रन करेगी। ये ट्रेन रेलवे की शोध, डिजाइन और मानक संगठन द्वारा डिजाइन की गई है। ये पहल रेलवे के पर्यावरणीय और ऊर्जा दक्षता के लक्ष्यों को बढ़ावा देगी। इधर बिहार विधानसभा सचिवालय में 183 रिक्तियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आज 29 नवंबर से शुरू हो गई है। अगर आप इच्छुक हैं, इच्छुक उम्मीदवार 13 दिसंबर तक आधिकारिक वेबसाइट हमारी स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड, ऑफिस अटेंडेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दिसंबर की शुरुआत के साथ उत्तर भारत में भीषण ठंड और घना कोहरा जो है छाने लगा है। IMD के अनुसार 1 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और बिहार में घने कोहरे की संभावना है। 4 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड में ठंड का असर बढ़ने का अनुमान है। बिहार की राजधानी पटना में अगले साल से मेट्रो सेवा शुरू होगी। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बताया कि 15 अगस्त 2025 से पहले फेज 1 की मेट्रो सेवा चालू हो जाएगी। ये घोषणा 32,506 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट के तहत की गई है। अगर आप भी कम कीमत में नया फोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो लावा ईवा 4 और टेक्नो पॉप 9 में से किसी एक को खरीद सकते हैं। दोनों ही फोन 7,000 रुपए से कम की कीमत पर आते हैं। इनमें खूबियां भी अच्छी खासी मिलती है। इन्हें रोजमर्रा की छोटे छोटे कामों को निपटाने के लिहाज से खरीदा जा सकता है। लोकसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त समिति को रिपोर्ट देने की समय अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया। अब समिति आगामी बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगी। समिति का अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ये प्रस्ताव सदन में रखा। पंजाब सरकार 2 दिसंबर से महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और रोजगार के लिए विशेष कैंप लगाएगी जिनमें कैंसर जांच और किशोर लड़कियों की काउंसलिंग शामिल होगी। ये कैंप दिव्यांगों को भी लाभ पहुंचाएंगे और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। हेल्पलाइन 181 को भी मजबूत किया जाएगा जिससे महिलाओं की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इधर राजस्थान में भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है जिसके तहत 390 औषधियों का परीक्षण किया गया है। जल्द ही नई दवाएं आवश्यक दवा सूची में शामिल की जाएंगी जिससे मरीजों को अधिक दवाएं मिल सकेंगी। इस निर्णय को लेकर तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2017 से 151 यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज की गई है जिनमें से 98% मामलों का समाधान किया जा चुका है। विश्वविद्यालय ने जानकारी देने से इनकार किया है कि शिकायतों की प्रकृति और आरोपियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गई। केवल 3 मामलों की जांच अभी भी जारी है।
इधर महाराष्ट्र के गोंदिया में बस हादसे में 12 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 10 की हालत बेहद गंभीर है। हादसा खजरी गांव के पास हुआ, जब बस ड्राइवर ने बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बस पर नियंत्रण खो दिया और पलट गई। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। आज यानी 29 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 759 अंक चढ़कर 79,802 पर और निफ्टी 216 अंक बढ़कर 24,131 पर बंद हुआ। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 417 अंक की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 में से 26 और निफ्टी के 50 में से 43 शेयरों में इजाफा देखा गया। मुंबई में महायुति बीजेपी शिवसेना सिंधे गुट एनसीपी अजीत पवार की बैठक आज टल गई। अब ये जो बैठक है 1 दिसंबर को होने की संभावना है। 1 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, जिसमें मराठा चेहरे पर भी विचार किया जा सकता है। एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम या केंद्रीय मंत्री पद का ऑफर मिलने की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की परपोते मंगल मुंडा के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसे झारखंड के जनजातीय समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। मंगल मुंडा की 45 वर्ष की आयु में शुक्रवार को हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वे हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है सुनील कुमार सुपी, मोहम्मद साकिर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, राम बाबूदास, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, अमरजीत, ओम शांति, अवसाद रजा, सुकांत शंकर, राकेश मिश्रा, कामोद कुमार, मनीष कुमार, सौरभ राज, विक्की कुमार, मोहम्मद मोसिम, गुरु शरण कुमार शाह, अभय नारायण प्रिय, संजीव कुमार, जगदीश चौधरी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके गांव में क्या कोई नया विकास हुआ है? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।